राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं निखिल दुबे, हम अभी मौजूद है लुधियाना का फोकल पॉइंट 5 फेज 5 में, जहां पर हमारे पीछे आप एक फैक्ट्री देख सकते हैं, संदीप फैक्ट्री के नाम से मशहूर है, जहां पे टी शर्ट बनाया जाता है। यहां पे सुबह से ही वर्करों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कितने वर्कर मौजूद हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं फैक्ट्री के खिलाफ। इनका ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इनके तरफ से कि फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर मौजूद हैं उनको बंदी बना लिया गया है, इनका ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसा काटा जाता है और उनको वापस नहीं किया जाता, फंड और बोनस के नाम पर पैसा काटा जा रहा है। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का, जो वर्कर है फैक्ट्री के। क्या नाम है आपका? सर जी, सुनील कुमार जी। क्या कहना चाहोगे, क्यों आप लोग प्रदर्शन किए हो यहाँ पे? सर जी, एक महीने हुआ हम लोग को काम करते हुए, 24 तारीख को बारिश भी हो रही थी, मतलब फोरमैन से हमारा थोड़ा बहस हो गया, उसके चक्कर में हम लोग को ज़बरदस्ती साइन कराया, मारने पीटने की धमकी भी दी गई और इतना दहशत फैल दिया कि पुलिस को सब कर दे। बारिश हो रही थी, हम लोग को दोपहर को बारिश में ही निकाल दिया सर जी, पैसे भी नहीं दिए हम लोग को 24 दिन का। सर जी, 3 दिन से यहाँ गेड़ा काट रहा हूँ, ना अंदर जाने देते हैं। बाबू के पास फ़ोन किया तो बाबू बोलता है कि HR से बात करो, HR वाला बोलता है कि बाबू ने पैसा देने से मना किया है। तो मुझे बताया सर जी, क्यों मना किया है, हमारी क्या कसूर, क्या गलती है, पैसे नहीं। पवन कुमार नाम है। यहाँ काम करवा के जो है से कि एट ए टाइम दिवाली के अभी टाइम है निकाल दिए, और जो है से कि फंड बोनस के नाम पे कटा है 2500, 3000 लमसम में कटा है हर एक महीने, 18000 सैलरी लगी है और वापस नहीं किया जा रहा है। 24 घंटे का तो ओवर टाइम का ऐसे ही गुम कर दिए, बोलते हैं नहीं करीब। आप लोगों जो फैक्ट्री से ये लोग निकाले हैं, किस कारण से निकाले हैं? कोई कारण नहीं, बस काम के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ। आप लोगों का जो इल्ज़ाम था कि आपके साथियों को अंदर बंदी बनाया गया, क्या अभी अंदर काम कुम नहीं चल रहा है सब? अभी एक दो सुपरवाइजर भी पिट चुके हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। क्या हुआ है? हम काम कर रहे थे इसमें, करते करते बीमार हो गए, उसके बाद आए 10 दिन काम किए, फिर बाहर कर दिया, बोलता है मेरे पास काम ही नहीं है, पैसे मांगने आए तो कहता है हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो। अभी जो आपके साथ के लोग अंदर है, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है अंदर? अंदर वो लोग आने नहीं दे रहे हैं बाहर, कोई काम ही नहीं हो रहा है, ऊपर से सुपरवाइजर गाली निकालते हैं बंदे को। तो आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्कर हैं उनको बंदी बनाया गया है, जो कि यहाँ के काम करने वाले मजदूरों का सीधे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं फैक्ट्री के ऊपर। हमारे साथ अभी कामरेड चितरंजन जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कहना है इनका, जो फैक्ट्री में अभी यहाँ धरना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, ये जो फैक्ट्री का जो मज़दूर का जो अपनी हाल बता रहा है कि यहाँ स्थिति क्या है, यहाँ जिस तरह अंग्रेज लूटता था मजदूरी करवा के और पैसा नहीं देता था, उसी तरह एक कंपनी मारक लुटेरा से भी ऊपर है, महान लुटेरा है, जो ESI के नाम पे, PF के नाम पे एक नया बोनस चला दिया है। अभी इसने स्लिप दिया है, उसमें लिखा है बोनस 2500 रुपया काटा हर प्रति महीना, यह कंपनी मालक 2500 रुपया बोनस काटता है। कंपनी मालक बोनस मजदूर को देना चाहिए थे, वो बोनस इनकी तनख्वाह का यानी मेहनत का, मजदूरी जो कमाया हुआ पसीना का पैसा है वो काट के और एक बोनस के रूप में इस तरह का बरगला के फुसला के लोगों से ये काम कराया जा रहा है। तो मैं खास करके लेबर डिपार्टमेंट को, अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने मैडम को भेज रहा है लेबर इंस्पेक्टर को, और मैडम को जितने भी अब वर्कर है आ रही है मैडम, क्योंकि उनके संगीन में उनकी जो बातें चीत है, यहाँ का जो स्थिति है वो बताया जाए। और SI वाला को मैं फ़ोन किया हूँ, SI वाला को भी बोला हूँ कि भाई आप आओ, आपके नाम पर 5500-8000 रुपया SI के नाम पर, PF के नाम पर काटा जाता है। यानी सरासर जो आप कहेंगे, जिस तरह रात दिन में नहीं पॉकेट मार लेता है, मोबाइल छीन लेता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक कंपनी मालक है जो मजदूरों से काम करवा कर और पैसा नहीं देना, मजदूर का पैसा काट कर नहीं देना, कमाया हुआ मजदूरी नहीं देना, ये बहुत बड़ा दुखद घटना है, बहुत निंदनीय है जो इस तरह का लेबर के साथ धक्का हो रहा है। जैसे कि इस फैक्ट्री में टी शर्ट बनाया जाता है, आम जो भी फैक्ट्रियाँ हैं पंजाब में, किस सैलरी बेस पे इनका ESI PF काटा जा, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितना होना चाहिए जिस पे PF और ESI काटा जाता है? 16000 रुपया लमसम जो होगा, अगर 16000 से ऊपर होगा उसका PF नहीं कटेगा, सिर्फ ESI कटेगा। अगर जिसका 21-22000 रुपया हो जाएगा, ESI और PF दोनों नहीं कटेगा। लेकिन उसके लिए भी फैक्ट्री एक्ट में है कि उस व्यक्तियों को इंश्योरेंस के तौर पर प्रति महीना पैसा काटे, जिसे किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाए, किसी तरह कोई हादसा हो जाए, तो वो जो है वर्कर है, उस पीड़ित परिवार है, उसको मिला जाए। लेकिन इसमें भी ये रूल और कानून का सब दरकिनार किए हुए है, कोई यहाँ कानून कायदा है ही नहीं। आज जो वर्कर कह रहे हैं, वर्कर की बात आप सुने तो आपको दिल दहल जाएगा कि इस तरह का जो काम अंग्रेज भी नहीं करता था, जो हाल इस कंपनी के अंदर कर रहा है। देखो, अभी कंपनी एक्ट में बोर्ड लगना चाहिए, यहाँ 200 बंदे काम कर रहे हैं, कंपनी में कहीं बोर्ड नहीं है,
ये किसकी है कमजोरी? ये लेबर डिपार्टमेंट की कमजोरी है। ये तीनों डिपार्टमेंट लेबर से संबंधित डिपार्टमेंट है। ये सब बैठकर वहाँ यानी मोटा रकम लेकर मजदूरों का श्वसन करवा रहा है। इसमें सबसे पहले तीन जो डिपार्टमेंट है, ESIPF और लेबर डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा मिली भक्ति कंपनी मालकों से करके मजदूरों का श्वसन करने का काम ये तीनों डिपार्टमेंट कर रहा है। किसी लेबर के पास प्रूफ नहीं है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, आज भी कोई प्रूफ नहीं है। हम गेट पे पुलिस पकड़ लेगा। तो फैक्ट्री में कार्ड बनाया जाता है, आप लोग का कार्ड नहीं बना? किसी का कार्ड नहीं है, कोई कार्ड नहीं है। तो आप लोगों को पहले भी विरोध जताना चाहिए था ना कि हमारा कार्ड बना के दो। आए थे सर हर चीज कपिल, जब तक गुरदयाल जी थे फैक्ट्री बहुत अच्छी चली। एक कपिल राणा आया, बोलता है सीता में सारे बंदों को मैं मुर्गा बनाया था और यहाँ भी मुर्गा बनाऊंगा, पिस्टल चलाऊंगा, बोलता है कपिल राणा। वही तो जब से आया तब से सारे बंदे की माँ। जब फैक्ट्री में ऐसा बात किया जाता आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए। क्या करे सर, जो अकेला बंदा क्या जब करते थे निकाल देता था। पांच बंदे एक एक पांच बंदे इकट्ठे हुए निकाल दिया, पच पच करके सारे बंदे को निकाल रहा है कपिल राणा। क्या नाम है आपका? नाम मैं विनेश। क्या कहना चाहेंगे फैक्ट्री के बारे में? कहना का ये फैक्ट्री एक नंबर का चोर है और सबसे बड़ा कपिल राणा जो है ना वो चोर है। अब बोलने के बाद कहता है मैं पिस्टल रखता हूँ, एक मिनट में मार दूंगा ज्यादा बोलोगे तो। या आप लोग को लेबरों को यहाँ के बोलता है वो? हाँ जी। तो इसकी शिकायत आप लोग को पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए ना? इसको पुलिस प्रशासन को नहीं दिए हम लोग, क्योंकि एक एक करके सबको निकालता रहता है तो कैसे दे देंगे, कैसे इकट्ठा ही होने नहीं देता है। कहीं ना कहीं मजदूरों में डर दहशत फैला करके उनको दहशत के माहौल में रखा जा रहा है। लेबर डिपार्टमेंट ESIPF डिपार्टमेंट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे आप फैक्ट्री देख सकते हैं, फैक्ट्री के बाहर कहीं भी नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है जो कि फैक्ट्री रूल से बाहर है। बने रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ, हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।